हमीरपुर के नगान विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने जायका प्रोजेक्ट के कार्यों में गुणवत्ता की कमी की शिकायतों को दूर करने के लिए जिलाधीश हमीरपुर को उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह, प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर, एसडीएम नदौन सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शेरा में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने जायका प्रोजेक्ट के कार्यों में गुणवत्ता की कमी की शिकायतों को दूर करने के लिए जिलाधीश हमीरपुर को उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह, प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम नदौन सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जनमंच कार्यक्रम में आई शिकायतों पर आईपीएच मंत्री ने कहा कि जापान व केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार को मिले इस प्रोजेक्ट के तहत कई क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता पर शिकायतें आ रही हैं, जिसे दूर करना होगा। क्योंकि आईपीएच का विभाग एक ऐसा विभाग है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, जो हर घर से जुड़ा हुआ विभाग है, उसमें ही शिकायतें ज्यादा आएंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन इस देश के लिए शुरू किया है। जो जल जीवन मिशन है वो हर घर में नल लगाने के लिए है और उसमें नल में जल की व्यवस्था करने के लिए है। इसलिए हम हर घर में नलका लगाएंगे, जितनी छोटी पाइपें हैं उनको बड़ा करेंगे और उनके पैरेलल में दूसरी लाइनें बिछाएंगे। हमारे लगभग इस बार 500 करोड़ का काम जो है वो जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं, 1200 करोड़ का काम जो है नेक्स्ट ईयर में करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि हमारा ब्रिक्स का काम, हमारा ओल्ड रेनोवेशन ऑफ ओल्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स, वो सारे तीन चार ऐसे हेड हैं जहाँ से हम प्रदेश में पेयजल को सुचारू और सुदृढ़ करने के लिए जो वर्तमान में ठाकुर जयराम जी की सरकार जो है करने जा रही है वो उस पर हम काम कर रहे हैं। आप मेरे ध्यान में बात ला रहे हैं, मैं इस पर पूछूंगा विभाग को। सर, जायका में क्वालिटी चेक को लेकर आपने जांच कमेटी गठित कर ये सबने आपके सामने कहा है, सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेगी। हम आपके सामने शिकायत आई, हमने कमेटी का गठन किया और गठन करने के साथ कहा है कि 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत। आपने माना है कि प्रदेश स्तर पर जायका में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? मेरे एक जायका कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जायका प्रथम चरण जो है ये मेरा ख्याल 2011 से शुरू हुआ है, अब तो द्वितीय चरण जो है जायका का शुरू होने वाला है। इसलिए जो जो जहाँ गलत हुआ है, मैं नहीं कहता कि किस किस समय में गलत हुआ, जिस जो भी कोई गलत करेगा वो भुगतेगा। हमने कहा है, हमने कहा है जनमंच से कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो अब्सेंट नहीं हो सकता। जब उसको उसका स्पेशली एसटीएम नदौन ने कहा था वो जानबूझ करके छुट्टी चला गया, इस करके एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। एरिया हो ना हो, एरिया का प्रश्न नहीं होता, इसमें जिला के सभी अधिकारी जो है वो हाजिर होने चाहिए। सर, उज्ज्वला योजना के तहत आप हर घर सर क्या तो खत्म हो गया जीएसटी की बात तो जीएसटी है सर, एक सड़क की जांच को लेकर भी आदेश दिए गए हैं, उसमें क्वालिटी चेक को लेकर। हाँ यस, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, कोई भी अनियमितता कोई करेगा उस पर कोई किसी को बचाव पक्ष नहीं होगा, धन का दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मेरे ध्यान में ला रहे हैं, देखेंगे। अपने संबोधन के दौरान आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में अब जिला स्तरीय जनमंच कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शामिल होकर लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। नदौन में मिडी इरीगेशन स्कीम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। जो भी यहाँ की कोई समस्या होगी किसी इंस्टीट्यूशन को खोलने के बारे में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सन्मुख यहाँ की जनता रखे
और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे उनकी अनुपालना की जाएगी। जो सीवरेज का काम लटके, सीवरेज का काम पहले दो विभागों के बीच में उलझा हुआ था, अर्बन डेवलपमेंट वालों के पास काम होता था, वो पैसे आईपीएच विभाग को देते थे, लेकिन अब सीवरेज का काम जो है वो पूर्ण रूप से जो है आईपीएच विभाग को दे दिया गया है। हम पूरे प्रदेश के सीवरेज स्कीमों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार को भेज रहे हैं, और भारत सरकार के माध्यम से हम फॉरन फंडिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के माध्यम से जो है वो फॉरन फंडिंग एजेंसी से हमने बात की हुई है, वहाँ से पूरे प्रदेश के जितने भी सीवरेज सिस्टम्स हैं उनको नए सिरे से जो शुरू करने की योजना हमारी है। मैं इस पे सूल जन पे नहीं आना चाहता, क्योंकि प्रदेश सरकार की मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ सी है कि इन्वेस्टर मीट से इसके क्या फायदे होने वाले हैं। जैसे मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि अगर इस प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ की आर्थिकी को मजबूत करना है, तो आवश्यक है कि यहाँ पर उद्योग जो है स्थापित किए जाएँ। वो उद्योग बड़े उद्योग भी हो सकते हैं, मध्यम उद्योग भी हो सकते हैं, लघु उद्योग भी हो सकते हैं। बाहर का उद्योगपति आएगा यहाँ उद्योग लगाएगा तो उसमें हिमाचल प्रदेश के लाखों जो हमारे बच्चे हैं वो उसमें उनको रोजगार मिलेगा, और प्रदेश की आर्थिकी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है मजबूत होगी। जनमंच में 42 शिकायतें आई, 42 का निपटारा कर दिया गया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि आईपीएच का विभाग एक ऐसा विभाग है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, जो हर घर से जुड़ा हुआ विभाग है उसमें ही शिकायतें ज़्यादा आएंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन इस देश के लिए शुरू किया है, जो जल जीवन मिशन है वो हर घर में नल लगाने के लिए है और उसमें नल में जल की व्यवस्था करने के लिए है, इसलिए हम हर घर में नलका लगाएंगे, जितनी छोटी पाइपें हैं उनको बड़ा करेंगे और उनके पैरेलल में दूसरी लाइनें बिछाएंगे। हमारे लगभग इस बार 500 करोड़ का काम जो है वो जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं, 1200 करोड़ का काम जो है नेक्स्ट ईयर में करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि हमारा ब्रिक्स का काम, हमारा ओल्ड रेनोवेशन ऑफ ओल्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स, वो सारे 3-4 ऐसे हेड हैं जहाँ से हम प्रदेश में पेज। इस मौके पर ठाकुर महेंद्र सिंह ने लोगों को शिप प्रोजेक्ट में शामिल कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जनमंच कार्यक्रम में नदारद रहने वाले नगर पंचायत नादौन के सचिव सतीश ठाकुर पर रुष्ट होते हुए ठाकुर महेंद्र सिंह ने सचिव को चार्ज शीट करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों में नदारद रहने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा और उन्हें किसी भी किस्मत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कोई गलत करेगा वो भुगतेगा। हमने कहा है जनमंच से कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो अपसेंट नहीं हो सकता। जब उसका स्पेशली एसटीएम नदौन ने कहा था, वो जानबूझ करके छुट्टी चला गया, इस करके एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। एरिया हो ना हो, एरिया का प्रश्न नहीं होता, इसमें जिला के सभी अधिकारी जो हाजिर होने चाहिए।